सबसे पहले आपको इसका आंसर देना है। एक साइड मैंने दूसरी कंपनीज की बुक रखी जो कि इतनी हार्ड होती है, और एक साइड मल्टीमीडिया की बुक रखी। अब आप बताओ क्या मल्टीमीडिया की बुक हम कंप्लीट कर सकते हैं, कमेंट में बताओ। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे एंड आई विश आप सब बढ़िया बढ़िया ही रहो। तो आज का जो वीडियो है वो आपकी ही डिमांड पे है, मतलब आप लोगों की वजह से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले मैंने मल्टीमीडिया नाम का एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एक हैंड राइटिंग वर्क के बारे में आपको बताया था। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मुझे देखने को भी मिला, मतलब सोशल मीडिया मैं पूरा यूज़ करती हूँ, मुझे सब खबर रहती है। तो मैंने बहुत चीज़ें देखी, मैं वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं मिलता है और मैं नहीं चाहती हूँ मैं बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो आज आई थिंक आपकी आपको मेरी वॉइस आ रही होगी, बिकॉज पहले कनेक्ट नहीं था, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें चार्जिंग है या नहीं, बट स्टिल मैं तेज़ बोल रही हूँ ताकि आपको वॉइस साफ साफ आ पाए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे बिकॉज मैं आपकी वजह से ही बना रही हूँ और आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मुझे पता है मेरी जो जेन्युइन ऑडियंस है वो मुझ पर ट्रस्ट करती है, तो मैं कुछ भी बताऊँगी तो उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने ओवरऑल चीज़ें देखी हैं इतने टाइम पीरियड में, क्योंकि मल्टीमीडिया का वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, तो आज मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मल्टीमीडिया स्कैम है क्या है सब कुछ मैं इसमें बताऊँगी। तो प्लीज़ स्टार्टिंग के 2 से 4 मिनट देख कर जज मत करना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना और ये वीडियो एकदम रियलिटी होने वाली है बिकॉज वो बहुत महीनों की बात है और ये जो है बिल्कुल न्यू है। तो मैं सारी रियलिटी बताऊँगी, मल्टीमीडिया की सच्चाई रियल में है क्या। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं और एंड तक देखना, आपके कहने पे मैंने किया है। तो आप भी मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट करो, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर करना, मेरे सारे वीडियो में आपका सपोर्ट आएगा, देन ही मैं आपके लिए बेनिफिट्स ला पाऊँगी, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट या फिर मल्टीमीडिया सर्विसेज, ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि मुंबई में सिचुएटेड है और इसके जो ब्रांच ऑफिसेज हैं बहुत जगह हैं, बट जो मेन है अजमेर राजस्थान में है मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट का ऑफिस, ठीक है। जिस जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैं प्रेनो सर्व के थ्रू ज्वाइन हुई थी, जो कि मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट ब्रांच अजमेर है, उनके थ्रू ज्वाइन हुई थी और जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। तो मल्टीमीडिया जो है वो एक फेक कंपनी है। फेक कंपनी कैसे है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कोरियर चार्जेस ले लेते हैं हमसे, मतलब 1600 रुपये वो लेते हैं, वर्क करने के लिए पैसे भी हम ही दें और वर्क भी हम ही करें, तो फेक हो गई कंपनी। और वो जो है मतलब ऐसे बुक्स देते हैं, मतलब बहुत हार्ड वर्क होता है तो फेक है वो, मतलब हार्ड वर्क होता है तो वो फेक है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क होता है यार, वो नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम कर पाएँ। नॉर्मल ह्यूमन जो होता है, नॉर्मल इंसान, वो वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकता। रोबोट्स में भी कर पाएँ बट नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा रीज़न ये हो गया कि कंपनी फेक है। तीसरा रीज़न कि वो सीट्स कम देते हैं, वो इसलिए फेक हैं, मतलब कि जैसे वो 1600 रुपये भी हमसे ले रहे हैं, पूरे पूरे वर्क भी हम कर रहे हैं और फिर वो 30 शीट्स दे रहे हैं और वर्क होता है फ्रंट एंड बैक 60 पेजेस का बुक का, है ना। तो यार शीट्स कम देकर वो फेक कर रहे हैं कि हम मतलब 1600 रुपये भी हम ही दें और 30 से 40 रुपये ऐड करके सीट्स भी हम ऐड करें, तो 30 से 40 रुपये वो ज़्यादा हो जाएंगे और प्लस कोरियर भी हम ही को करना होता, पिकअप भी अवेलेबल नहीं होता है, तो 70-80 रुपये हम उसमें भी दें, तो इसमें हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पिकअप भी अवेलेबल नहीं कर रहे हैं, तो फेक हैं। क्योंकि और कंपनीज तो पिकअप भी करती हैं, वो अलग बात है उनसे सैलरी नहीं मिलती, वो तो है ही फेक, ठीक है। लेकिन मल्टीमीडिया पिकअप भी नहीं करती है और मतलब हमें गाइडेंस भी नहीं मिलता है, ठीक है। और ये लोग वर्क बहुत ज़्यादा दे देते हैं और इतना महीन महीन लिखा होता है बुक में कि वो छोटे छोटे सा लिखा होता है कि वो हम लिख ही नहीं पाते हैं 4 शीट्स में और हमारे हाथ दर्द हो जाते हैं, उंगलियाँ सूज जाती हैं, हमसे हो नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया फेक है, स्कैम है, वर्क मत करना। तो ये सारी वर्ड्स हैं जिन लोगों की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो फेक है तो लोग, ये जो मैंने बोला ये मेरे वर्ड्स नहीं है, लोगों के वर्ड्स हैं, ठीक है। एक दो लोगों ने वीडियोस बनाए हैं मल्टीमीडिया के ऊपर, उनमें से एक ने मेरा भी यूज़ करा है, बट मैं किसी को अपने वीडियो में लाकर फेमस नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आप सबके ओपिनियन होते हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके थॉट्स को, क्योंकि जो वर्क नहीं कर पाया, जिसका 1600 रुपये गया है उसको अफसोस होगा, बिल्कुल पता है मुझे, ठीक है। मैं अभी फर्स्ट टाइम में वर्क नहीं कर पाई थी, ठीक है। इससे पहले मेरी फ्रेंड की आईडी से लिया था वर्क, मैं नहीं कर पाई थी और मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैंने उनको एनालाइज़ किया, देखा, देन मैंने फेक बोला। तो अगर हम वर्क नहीं कर पाए, हमारा 1600 गया, बिल्कुल हमको बुरा लगेगा यार, क्यों नहीं लगेगा, 1600 बहुत होता है, लेकिन अपने माइंडसेट से कुछ भी बोल देना बिना जाने समझे वो चीज़ गलत है, ठीक है। पहले मैं आंसर देती हूँ वो वीडियो का जो कि एक लड़की ने बनाई है मास्क लगा के, ठीक है।
सो उन्होंने ये चीज़ बोला है, उन्होंने खुद वर्क नहीं किया। तो डियर, अगर आपको इतना ही शौक है अपनी बहन को सपोर्ट करने का, अपना किसी को भी सब सपोर्ट करने का, तो मैं ऑनेस्ट कोई हेट नहीं फैला रही हूँ, मैं जो अपना रिव्यू है वो दे रही हूँ। तो अगर आपको इतना ही शौक है तो प्लीज़ यार उनके अगेंस्ट वीडियो बनाओ। उन अगर आपने वर्क नहीं किया, आप जस्ट रिव्यू दे रहे हो, आपने कहीं स्कैम नहीं बोला है, आई अंडरस्टैंड। तो अगर आपको ऐसा करना भी था तो प्लीज़ उन कंपनीज़ के बारे में बताओ यार जो स्कैम कर रही हैं, जो लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, गरीबों का पैसा खा रही हैं रियल में। ठीक है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी बिकॉज जब मुझे नहीं पता है उनके बारे में तो मैं कुछ रिव्यू नहीं दे सकती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला है, बट ये चैनल मेरा आपको पता है क्या है, मैं यहाँ पर अपना रिव्यू शेयर करती हूँ, ना ही प्रमोशन, ना ही किसी का कंपनी का लाइक फेक बताना, अगर जब तक मैंने एक्सपीरियंस ना किया हो। ठीक है, तो अगर आप किसी कंपनी का बता रहे हो, अच्छी बात है, आपने ये चीज़ मेंशन की कि ये जो वर्क देते हैं वो कंप्लीट। पहली बात तो जो आपने थंबनेल में बुक यूज़ की है डियर, वो बिल्कुल फेक है। ठीक है, वैसा बुक उनकी होती नहीं, तो पहला चीज़ तो आपको स्ट्राइक मिल सकती है इस पर, क्योंकि आपने जो थंबनेल में यूज़ किया है ना वो गलत चीज़ यूज़ की है, वो उनकी बुक वैसी नहीं होती है, तो ये चीज़ गलत है। प्लस आपने जिस तरीके से मेरा वीडियो बताया कि इन सिस्टर ने, आपने मेरे सारे कमेंट्स भी पढ़े हैं, बहुत टाइम है आपके पास, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए मेरे वीडियो पे। तो उसमें आपने बताया सारे पॉजिटिव पॉजिटिव, आपने खुद बोला है कि मुझे कोई निगेटिव दिखा नहीं, बट मैंने जब डीपली उसको एनालाइज़ किया, मतलब आप निगेटिव चीज़ें ढूंढ रहे थे, जहाँ निगेटिव भरा हुआ है उसको उठाकर आप अगर एक्सप्लेन करोगे तो लोगों का भला हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव भरा हुआ है उनमें से निगेटिव छांट छांट के अगर आप उभार रहे हो उस चीज़ को, तो उससे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो पॉजिटिव बता रहे हैं आप ही को होगी, जो निगेटिव होगी आपने वर्क किया नहीं है। ठीक है, और आपने जो चीज़ मेंशन की है उसमें कि वर्क जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, मतलब पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं मान सकती हूँ, बट मल्टीमीडिया के लिए मैं नहीं मान सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास खुद बुक है ध्रुआ वालों की, मैंने ध्रुआ में वर्क किया इससे पहले, और फेक हुआ था, मैंने वीडियो भी बनाया, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी तो मैंने वीडियो हटा दिया था, और मुझे मेरा अमाउंट वापस मिल गया था बिकॉज मैंने वीडियो बना दिया था। ठीक है, तो बिकॉज वो फेक कर रहे थे, जब इंसान फेक करता है तो डरता है, धमकियाँ देता है, अब्यूज़ करता है, वो सब चीज़ें करता है। ठीक है, क्योंकि फेक कर रहा होता है। तो आप जो बता रहे हो बुक्स का ना, मैं जो ध्रुवा की बुक है ना, मैं अभी लाइक शूट कर रही हूँ, बस बुक नहीं है, बट मैं वीडियो बनाकर यहाँ पे लगा दूँगी। ठीक है, अभी बीच में ही ऐड कर दूँगी, वो बुक देखो पहले आप, मेरे पास अभी भी रखी हुई है, इनके फॉन्ट देख लो, इनकी बुक देख लो, एक बुक को करने में एक घंटे से ज़्यादा लग जाता था। ठीक है, तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है चीज़ों को, और मल्टीमीडिया 100 से 1000% चलाएं। अभी भी जो हेटर्स आएंगे वो ज्ञान देंगे अपना फोकट का, तो ज्ञान दे लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं प्रूफ के साथ बात करती हूँ। मैंने इससे पहले ध्रुआ में वर्क किया 2 से 3 बार, फ्रॉड हुआ मेरे साथ, क्योंकि उनकी बुक ऐसी थी जो कि, और मैंने जो शीट्स लिखी उनका वीडियो में मैं दिखा दूँगी, 1000 से ऊपर शीट्स मैंने लिखी हुई है। ठीक है, मैं इतना स्कैम फेस कर चुकी हूँ, और फिर मैंने ऑक्सफोर्ड का वर्क किया, उनका भी मैंने वर्क किया, फेक हुआ। ठीक है, उनका वीडियो पड़ा हुआ है, उन्होंने मुझे ऑफर भी किया था पैसों का, बट मैंने वो चीज़ नहीं हटाया। ठीक है, ध्रुवा का क्या हुआ, ध्रुवा का मैंने वीडियो बनाया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किए थे, मैं साफ बोलती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग की थी, बहुत गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ किए थे उन्होंने मेरे लिए, और FIR वगैरह की धमकी दी थी। वो स्टार्टिंग था और मेरा लाइक फर्स्ट वीडियो था, मुझे इतना था, तो मैं भी थोड़ा सा अंदर से फियर था मेरे अंदर कि यार ये फर्स्ट टाइम है, और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास थे। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ऐसे लाइक धमकियाँ दी, खुला साफ धमकियाँ दी थी, तो मैंने इस वजह से फिर मैंने मेरा लाइक 3200 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट था। ठीक है, तो मैंने उनका वो उनसे रिफंड मांगा, मैंने कहा ठीक है अगर आप चाह रहे हो तो आप वो चीज़ मुझे दे सकते हो, देन मैं सोचती हूँ। तो उन्होंने बोला पहले आप वीडियो डिलीट करो, और मुझे लाइक मेरा पैसा गया था तो मुझे भी था, तो उन्होंने मेरा सिक्योरिटी रिफंड कर दिया था, मैंने इसलिए वीडियो डिलीट कर दिया था। बट उसके बाद जब मुझे और एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज उसके बाद मेरा चैनल ग्रो होने लगा था, तो मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया इन सब चीज़ों का, और उसने वर्क किया, जब ऐसा हुआ देन मैंने फिर बोला कि नहीं अब नहीं, बिकॉज वो फेक चीज़ें चल रही हैं, बहुत से लोग उसके लाइक ट्रैप में आ जा रहे हैं। और देन मैंने लास्ट 3rd नंबर पे ये कंपनी थी मल्टीमीडिया, मैंने इसका यूट्यूब पे ही देखा था। ठीक है, यूट्यूब पे ही रिव्यू देखा था, फिर उनका चैनल विजिट किया, तब उस टाइम पे इनके बारे में इतना नहीं था, बट जो मैंने कमेंट्स एनालाइज किया कि मुझे लगा कि हाँ यार ये पॉजिटिव है, बिकॉज इतना हो चुका था फिर, तो मुझे यकीन हो गया। और मैंने जब ज्वाइन किया था कंपनी, तो ठीक है मैंने फिर जो मेरे कोऑर्डिनेटर थे प्रणव सर, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझे गाइड किया, और मैंने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट लिया था।
तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था मैंने लिया था और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, मेरी फ्रेंड के थ्रू, मतलब जो वर्क था ना वो मेरी फ्रेंड ने किया था सबसे पहले, मेरी ही आईडी से लिया था लेकिन वो मेरी फ्रेंड ने किया था वर्क, तो उसने कंप्लीट भी किया, आई थिंक उसकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन उसने वर्क कंप्लीट किया था तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से वो नहीं, मुझे एक्सपीरियंस था, उसमें 2 से 4 बार वर्क हज़ार शीट्स लिख चुकी थी, मुझे पूरा एक्सपीरियंस था। तो सेकेंड बार मैंने प्रोजेक्ट लिया अपने लिए, मतलब वो मेरे लिए तो फर्स्ट प्रोजेक्ट था बट मेरी आईडी से अगर देखा जाए तो वो सेकेंड प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो मैंने वर्क किया और मतलब मुझे पता था कि मैंने जो बुक्स का एक्सपीरियंस किया था यार बहुत हार्ड था, ये तो आप बोलते हो ना मल्टीमीडिया की बुक छोटी छोटी, कुछ भी नहीं है यार, पैसे कमा रहे हो इतना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, और मैं अपने प्रूफ दे रही हूँ सारे, मैं भी सारे प्रूफ दूंगी अपने। मैंने वो वर्क किया 3 दिन, लिटरली मैंने वर्क किया, मैं कहीं नहीं गई, घर से बाहर तक नहीं गई, मैं सुबह से शाम तक 24 आवर्स तो कोई नहीं लिख सकता बट मैंने पूरा पूरा टाइम दिया और मैं ऑलरेडी 1000 सीट्स से ऊपर लिख चुकी थी, तो मेरे हार्ट बिल्कुल सेट थे, दर्द होता था होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप लोग बोलते हो ना बहुत हार्ड है, इतना छोटा छोटा सा लिखा होता है, पॉसिबल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आप मे बी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस ना हो, आपके हाथ में इतना पेन होगा तो आप हार जाओगे नॉर्मल, बट जो कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे बहुत से मेरी फ्रेंड्स हैं लाइक बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने वर्क कंप्लीट किया, उनको पे आउट भी हुआ है, जो ऐसे लोग होते हैं और वो जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मेरे साथ धुआं में वर्क किया हुआ है तो उनको भी एक्सपीरियंस था। तो जिनको एक्सपीरियंस है कि यार हम वर्क कर सकते हैं और उनको पता है कि यार मतलब कुछ भी हो जाए तो वो कर लेंगे, मे बी जो न्यू फ्रेशर होंगे उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो इतना दर्द हो जाएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। और 3 दिन का स्टार्टिंग वर्क होता है तो 3 दिन का हमने भी किया था, ठीक है, तो मैंने अपना वर्क किया दिन रात एक करके किया और लिटरली मुझे खाने पीने का कुछ होश नहीं रहता था, मैं सुबह से शाम तक वर्क करती थी और कहीं भी नहीं जाती थी, सुबह लाइक सुबह उठ गई मैं, नाश्ता करके बैठ गई, काम कर लगातार मैं सोती भी थी बहुत, मतलब 4 से 6 घंटे की नींद, बस 3 दिन मैंने अपने पूरे दिए बिकॉज मेरे अंदर था कि मुझे ये वर्क जब रियल कंपनी में मिली है तो मैं करके रहूँगी, जब मैंने फेक कंपनी के लिए 1000 से ऊपर शीट्स लिख दी हैं तो रियल में मैं क्यों नहीं लिखूंगी, मैंने पूरा वर्क कंप्लीट करा, ठीक है, जी जान लगाकर, और मेरी राइटिंग भी अच्छी है, सब कुछ मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ बट मैंने मेरे वर्क में क्लीननेस भी था, मैंने रूल को फॉलो करते हुए वर्क किया। देन इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मेरा पहला रिजल्ट आया था तो उसमें मेरी लेस देन 20 मिस्टेक से भी कम थी, ठीक है, आई थिंक 11-12 या ऐसे याद नहीं है, मैं यहाँ पे सब स्क्रीनशॉट लगाती जा रही हूँ, मिस्टेक कम थी, ठीक है, और मुझे मेरा पूरा 5000 जो सैलरी होता है 5000 सैलरी पूरा मुझे मिला, मेरे पास ऑप्शन था, मेरा जो सिक्योरिटी अमाउंट 1000 है वो मैं रिफंड ले सकती हूँ, लेकिन मैंने वो ना लेकर उस पर ही मैंने दोबारा प्रोजेक्ट लेने को बोला, बट उस समय मेरे एग्ज़ाम थे तो मैंने कहा मैं बाद में लूँगी, मेरा पूरा सैलरी जो 5000 मिला उसका स्क्रीनशॉट ये है, ठीक है, डेट आप चेक कर सकते हो, पहली मेरी सैलरी थी, मैं बहुत हैप्पी थी कि यार मुझे पता था कि जेन्युइन कंपनी और हैंड राइटिंग में मुझे सैलरी मिला, तभी मैंने इसे वीडियो बनाया था, प्रूफ भी दिया था, ठीक है, तो मैंने हवा में कोई बातें नहीं की है, मेरा एक्सपीरियंस था, और जब इतनी फेक कंपनीज होने के बाद जब मुझे कुछ रियल कंपनी मिला है इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था, उसका मेन रीज़न यही था कि यार जब मुझे सैलरी मिला है, मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो हैंड राइटिंग के ट्रैप में फंस चुके हैं, स्कैम मुझको इस वजह से, लेकिन वर्क उनके लिए ही है जो जी जान से मेहनत करते हैं, तो मैं कोई बोल रहा था कि नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो भाई मैं क्या आपको रोबोट नज़र आ रही हूँ, मैंने तो वर्क पूरा किया है और प्रूफ भी दिया है, तो पर्सनल मैं किसी बहन भाई किसी पे भी नहीं, मैं खुद मैंने वर्क किया है, मुझे खुद पेमेंट मिला है, मैंने वो शो किया, ठीक है। और सेकेंड पॉजिटिव मैंने जब लिया तो 3 दिन लगातार मैं लिटरली रो दी थी, इतना हार्ड वर्क तो था, मैं खुद रो दी थी कि मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप कर रही थी, लेकिन मेरे मन में बस वही सब चल रहा था कि नहीं यार मैं जब मुझे रियल है ऐसा जब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो सेकेंड टाइम भी करूँगी, ठीक है, हाथ लिटरली बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि उखड़ चुका है, ठीक है, मेरा भी एक्सपीरियंस था, इतना चक्कर सब हो गया, चक्कर भी आ रहे थे, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न थे, कुछ भी दर्द काम नहीं कर रहा था, माइंड की नसें फट रही थी, लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मेरा कोई टारगेट है तो मैं उसको पूरा करके रहती हूँ। सेम आप हार मान जाओगे, बहुत से लोग होते हैं जो अपना मतलब कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते, कंफर्ट मतलब होता है कि एक हद तक हम अपनी बॉडी को पुश कर सकते हैं, जब लेवल ख़त्म हो जाता है तो हम उसको लीव कर देते हैं, टास्क को गिव अप कर देते हैं, बट कुछ लोग आपको पता है ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी हो जाए वो अपने वर्क को कंप्लीट करते, तो मैंने वही किया, मैंने वर्क कंप्लीट करके सबमिट करा 3 दिन के अंदर और देन मुझे मेरा फुल सैलरी 5000 मिला, ठीक है। और तो यही दो उसका स्क्रीनशॉट भी ये रहा, तो मैंने दोनों का एक्सपीरियंस लेते हुए भी चीज़ें बताई थी, तो जो लोग स्टिल बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं है ये वर्क,
तो उनके लिए ये है, ठीक है, प्रूफ मेरे लिए। और एक और वीडियो मैंने देखा था जिन्होंने वर्क किया था और ये बोल रहे थे कि मतलब ये लोग इतना छोटू छोटू सा लिख के देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये एक तरीका है इनका मतलब। और शीट्स भी इतने, तो यार शीट्स की बात कहाँ आई, मैं बताऊँ मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट आया था उसमें क्या हुआ था, कोरियर वालों की गलती की वजह से शीट्स ना ऐसे मतलब हल्का नीचे का जो पेपर था फोल्ड अप हो गया था, तो उसमें ऐसा एक लाइन लाइन पड़ गई थी, तो मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया था। तो मैं मुझसे कोऑर्डिनेटर्स ने बोला भी था मेरे कि आप उस पर कर लो, बट मुझे कम्फर्ट है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 50-60 रुपये तो लग रहे हैं। तो वो सीट्स ना आज ही मेरे पास रखी हैं, तो मैंने अपने, मैंने कहा नहीं मैं वर्क कर रही हूँ, अच्छा अच्छा करूँगी, क्योंकि वहाँ से मुझे बोला गया कि आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उनकी जो शीट्स आती है ना वो अलग रहती, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, हाई क्वालिटी की, वो मोटा पेपर होता है, ठीक है, जो हम जनरली लेते हैं शीट वो एकदम पतली पतली होती हैं। तो मैंने अपने मन से 60 मतलब उसे मैच करते हुए 60 पेजेस खुद से लिए थे 60 रुपीज़ के, मैंने उस पर वर्क करके दिया था और मेरा 60 पेजेस में ही वर्क हुआ था। फ्रंट एंड बैक बुक का 60 पेजेस होता है, मेरा 60 शीट्स में हुआ था, A4 शीट्स में, बुक के पेज काउंट होते हैं, कुछ कुछ पेज पे होते हैं जो मतलब हाफ को लिखा होता है, कुछ एक ही में आ जाते हैं, तो ऐसे करते करते मेरा और फ्रंट एंड बैक मिलाकर 60 पेजेस बुक का पूरा मेरी 60 शीट्स में आया था। मुझे ध्यान है कि सेकंड टाइम जो मैंने प्रोजेक्ट किया मुझे बिल्कुल ध्यान है, 60 शीट्स लगी थी, एक दो में भी एक्स्ट्रा लग गई होंगी, बाकी 60 ही लगी थी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि मेरा जो लोग कहते हैं कि यार ये पॉसिबल नहीं है, वो इसलिए नहीं है बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको हल्का सा दर्द हुआ, फीवर हुआ, आपने छोड़ दिया। मैं ऐसी हूँ, पागल हूँ, कुछ भी, मैंने कहा ज़्यादातर तो हम मर जाएंगे ना और तो कुछ नहीं होगा, बट वर्क कम्प्लीट करेंगे। तो मैंने वर्क कम्प्लीट किया बिकॉज अगर हमने पैसे दिए हैं, मैं पैसे की बात भी नहीं, अगर हमें पता है कि वर्क पॉसिबल है बिकॉज सब कर लेते हैं तो ये वर्क हो सकता है। तो जो भी लोग कहते हैं यहाँ पे कि वर्क फेक है, ये है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मैंने आपको प्रूफ दे दिए। और बाकी हर एक कंपनी का यार होता है, ठीक है, जो आजकल तो फेक कंपनीज कर रही हैं वो, तो फेक का मतलब क्या होता है, पैसे लेकर ब्लॉक कर देना, आपको गाइड ना करना। जो लोग भी बता रहे हैं उन्होंने कभी क्या गाइडेंस के ऊपर बनाया कि टीम जो प्रणव है, अजमेर ब्रांच है, वो कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करती है, इसका किसी ने बताया, हर एक टाइम पर रिप्लाई देना, हर एक चीज़ को गाइड करना। हाँ, कुछ टाइम अवेलेबल ना हो, इंसान 24 घंटे अवेलेबल नहीं होता है, बट चीज़ों को कैसे डील, और भी कोई भी ब्रांच इतना नहीं सपोर्ट करती जितना टीम प्रणव की, टीम प्रणव सर की करती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होगा, हर एक चीज़ को अच्छे से गाइडेंस, तो वो तो किसी ने वीडियो मैंने मेंशन किया कि हाँ हमें कोऑर्डिनेशन गाइडेंस परफेक्ट मिला, वो तो कोई, तो वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि कोई भी अगर रिव्यू देगा तो वो उसका ईगो हर्ट होगा, तो वो बुराई बुराई ही बताएगा, अच्छाई नहीं बताएगा किसी भी चीज़ को। और कोई भी कंपनी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि नहीं ये फेक है, तो प्रूफ के साथ बोलो कि फेक का मतलब क्या होता है, पैसे लेकर ब्लॉक कर देना, पैसे लेकर रिस्पॉन्स ना करना, आजकल आजकल के टालना, प्रोजेक्ट मिल जाना आपको गाइड ना करना, कंप्लीट भी कर लेना उसके बाद एड्रेस ना देना, कोरियर आपका चला भी जाए तो रिस्पॉन्स ना करना, ये होता है फेक। ठीक है, ये नहीं होता हम आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और जो वर्क आपको मिल रहा है आपको फेक लग रहा होगा। भाई 5,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, बहुत से लोग की 9 to 5 जॉब करके मजदूरी करके महीने की सैलरी 5,000 से 7,000 रुपये होती है, आप वो 3 दिन में अर्न कर रहे हो, क्या 3 दिन आपको एक महीने वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 3 दिन में क्या वो आपको डिजाइन नहीं लगाना पड़ेगा, खुद आप क्वेश्चन पूछ लो। जो भी लोग बोलते हैं ना, बोलना गलत बहुत आसान होता है किसी के अगेंस्ट, बट चीज़ों को प्रूव करके बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो वही, तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ये सब बनाने का, मेरे इतना टाइम नहीं रहता और ना ही मैं चाहती हूँ इन सब टॉपिक पे बार बार वही चीज़ बोलूँ, मैं बोल चुकी हूँ, अपना रिव्यू दे चुकी हूँ। और जिनको लगता है प्रमोशन कर रही हूँ, तो आप बताओ तो मेरे वीडियो पे कितने प्रमोशन वीडियो हैं, मैंने ऑक्सफोर्ड का प्रमोशन क्यों नहीं कर दिया, वो तो मुझे पैसे दे रहे थे, मैंने पैसा लेने को क्यों मना कर दिया, मैं तो अपने मुँह मांगी रकम ले सकती थी उनसे, मेरे पास तो ऑफर था उनसे, तो प्रूफ कहाँ से आए। प्रमोशन आपने मेरे चैनल पर देखा है प्रमोशन, और मेरे इतने सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी अर्निंग तो यूट्यूब से होती नहीं है अभी, तो प्रमोशन मैं कहाँ से करूँगी। तो ये मुझे पता है, ये वो लोग हैं या तो जो फेक कंपनीज़ हैं जो कि उनका धंधा चौपट हो रहा है, ठीक है, वो कमेंट्स कर रहे हैं आईडी बना बना के, या फिर उनके ही चमचे हैं, हर कोई नहीं है, मुझे पता है, बट आंसर देना ज़रूरी है। तो जो भी लोग मल्टीमीडिया के बारे में बोल रहे हैं, तो आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, तो फिर मुझे कि मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, नॉर्मल इंसान दिख रही होंगी ना, बिल्कुल नॉर्मल सब देख लो मेरे हाथ हाथ, ठीक है, सब रोबोट नहीं हूँ। तो जो भी ये लोग बोलते हो ना आप कि नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, नॉर्मल इंसान कर सकता है, नॉर्मल इंसान ही होने ही इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं जिनको पे आउट हुए हैं, ठीक है, कंपनी से, तो वो नॉर्मल इंसान ही है सब। तो जो आपकी थिंकिंग है वो बिल्कुल गलत है। और अब मैं इस वीडियो पे, ये लास्ट वीडियो था, मैंने क्लैरिफाई करने के लिए बनाया था कि यार मल्टीमीडिया रियल है, और अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हो तो आपको पेमेंट मिलेगा। 3 दिन आपको जी जान लगाना पड़ेगा, भले आप ना सो, मैं तो कह 24 घंटे वर्क कर सकते तो कर लो, ठीक है, लेकिन मैंने तो जो अपना रियल बताया वो बताया आप कि 3 दिन मैंने पूरे पूरे दिए थे। जो लोग भी बोलते हो फेक हो,
डियर मल्टीमीडिया इज नॉट अ फेक बट यू आर अ स्कैम पर्सन ओके बिकॉज आप किसी भी कंपनी का नाम रेपुटेटेड कंपनी का नाम खराब कर रहे हो और आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने वर्क किया है जब जो चीज़ पॉजिटिव है मैं उसके लिए स्टैंड लूँगी आप कुछ भी बोल लो जो कंपनी रियल है मैं उसके लिए स्टैंड लूँगी और आप बोलोगे आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो कुछ भी हो तो वो मुझसे मतलब नहीं है बट जो रियल है उसके लिए तो मैंने वर्क किया है अगर वर्क ना किया होता स्टिल एक प्रमोशन वीडियो होता तो मैं समझ सकती थी कि मतलब हाँ मैं मेरी गलती है मैंने जाने समझे में बट मैंने वर्क किया है भाई मेरा भी आप ही के साथ स्कैम नहीं हुआ है और कंपनी मेरे साथ स्कैम हो चुके हैं मैं स्कैम दो दो तीन तीन बार मेरा 7-8 हज़ार रुपये स्कैम में जा चुका है ठीक है तभी मैं पागल नहीं हूँ कि मैं किसी पे भी बैड कमेंटिंग करूँ जो रियल है वो फेक है फेक है इसके बाद में जो मल्टी मीडिया मिला था तो मैंने फेक का एक्सपीरियंस करके रियल में आई हूँ इस वजह से मैंने अपना रिव्यू दिया है और जब कोई बोलता है कि यार फेक है या प्रमोट कर तो बुरा लगता है बिकॉज जिस चीज़ पर आपने वर्क किया आपको पता है वो रियल है आपने रियल बताया तब भी जो बैड एलिमेंट्स होते हैं कमेंट करने आते हैं और लोग हैं जो और जिन जी लोगों को समाज सेवा करने की जरूरत है रिलीव देने का शौक है तो वो ऐसी कंपनीज पे दो ना जो स्कैम टोटली कर रही हैं खुलेआम स्कैम कर रही हैं भाई पैसे देकर ब्लॉक कर रही हैं उन पे करो ना उन पे क्यों नहीं करते हो आप लोग क्योंकि आपको धमकियाँ मिलेंगी आपके अगेंस्ट एक्शन होगा इसलिए तो भाई तो ये चीज़ मैंने कनेक्शन कर जो भी अपना मल्टीमीडिया पर राय देना चाह रहे हो दे लो बट सबूत के साथ दो ठीक है इस स्कैम का मीनिंग क्या होता है पेजेस कम दे दिए हैं छोटो छोटो से लिखा है ये कोई स्कैम नहीं हुआ भैया ठीक है आप वर्क नहीं कर पाए तो वो आपके ऊपर है तो ये सब चीज़ें मत करो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा बाकी मैंने जो भी रिव्यू वगैरह हैं प्रूफ वगैरह मैं सब ऐड करती जाऊँगी आप देख लेना तो बस ये लास्ट वीडियो था मेरा आई थिंक आपको क्लैरिफाई हो गया होगा फेक और रियल में फ़र्क क्या है तो जो भी मल्टीमीडिया पे वर्क करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं ठीक है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बट आप अपने ऊपर जिनको वर्क करना है अपनी काबिलियत के ऊपर वर्क करना अगर आपको खुद की काबिलियत पर खुद की क्षमता पर विश्वास है तो ही वर्क करना अगर आप सोचते हो नहीं यार अगर हार्ड हुआ तो मुझसे तो नहीं होगा तो आप लोग सिर्फ वेट करो तो पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है 5,000 आपको 3 दिन में मिल रहे हैं मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है तो इस वजह से जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ हम वर्क कर लेंगे हम मेहनत कर लेंगे बस रियल होनी चाहिए तो वो लोग जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हो सिक्योरिटी अमाउंट 1,000 है कोरियर चार्जेस और सर्विस चार्ज मिलाकर 600 है तो टोटल 1,600 रुपये आपको देने पड़ते हैं और अगर फर्स्ट टाइम आपका वर्क 60% भी सही होता है तो सेकंड टाइम आपको दोबारा से पैसा नहीं देना होगा बाकी उनके जो रूल्स की PDF है वो अच्छे से पढ़ लेना सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लेना तब उसको अकॉर्डिंग वर्क करना गाइडेंस आपको मिलेगी आपके एंड से वर्क 100% है आपकी गलती नहीं है आपने बिल्कुल सही तरीके से वर्क किया है तो 1000% आपको सैलरी मिलेगी जैसे मुझे मिली है तो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।